नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। इस रस से करें शिवाभिषेक, प्रसन्न होंगे महादेव। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपायों के बारे में शिव पुराण में भी लिखा है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग उपाय बताया गया है। ये उपाय इस प्रकार हैं। शिव पुराण के अनुसार इन छोटे उपायों से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है, जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है, गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा रस चढ़ाने से क्या फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा भगवान शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तीक्ष्ण बुद्धि के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गौ माता के शुद्ध घी से करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए डमरू जरूर बजाएं, बम बम भोले कहने से कृपा मिलेगी। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर सिंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। शिव जी को स्तुति प्रिय है, अतः स्तुतियों से करें शिव आराधना। शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करें। शिव की सबसे प्रचलित स्तुति है, ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।